हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, जो भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में मेरी रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है ना रीडिंग देखने के टाइम पर, ना रीडिंग देखने के बाद में। ओके, ऊपर वाले जो भी बीमार हैं उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जो भी लोग अपने हस्बैंड वाइफ हैं, अलग रह रहे हैं दोनों, जल्दी से एक रहने लगे। और जो भी सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी शादी हो जाए। जिनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही हैं, उनकी फैमिलीज, उनके पार्टनर की फैमिलीज जल्दी से मान जाए और आप लोग उसके साथ शादी करवा दें। और जो भी, जिनके भी लाइफ में जो भी इश्यूज है, नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी, सभी चीज़ें चली जाएँ। जो भी लोग जॉबलेस हैं उन सभी का जॉब मिल जाए। जो भी मैरिड हैं, पता नहीं आज ऐसा निकल रहा है मुझसे, तो जो भी लोग मैरिड हैं ऊपर वालों, उन सभी की लाइफ में शांति थे, उन दोनों को एक साथ रह के वो भी खुशी खुशी। ओके, चलिए प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। नाइन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा, मुझे 4-5 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि मैम कार्ड ना सामने शफल किया करो, मतलब कुछ भी आया तो मुझे कुछ अजीब सा, मतलब गुस्सा था, लेकिन मैं थोड़ी सी शांत हो गई। फिर भी मैं आप लोग को यही कहूँगी, जब मैं आप लोगों के लिए कुछ करती हूँ, रीडिंग वगैरह करती हूँ, आपको गाइडेंस देती हूँ, सभी चीज़ें करती हूँ, तो फिर मेरी उम्मीद थोड़ी सी रहती है आप लोगों से कि आप लोग ऐसे लोगों को जवाब दें। आप लोग आके रीडिंग देखते हैं और चले जाते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग की, आप लोग खुद ऐसे लोगों को जवाब दें। जबकि मैंने खुद ने वो रीडिंग वापस से देखी, उसके ने मैंने सामने, और वैसे तो वो कैंडल वैक्स रीडिंग थी और मैंने 3 कार्ड्स मेजर और काना से लिए थे, और लेकिन मैंने कार्ड सामने ही शफल किए थे। कोई भी इंसान अपने काम के प्रति बेईमानी नहीं करता है, और जो वो करता है अगर, तो वो अपने काम के प्रति लॉयल नहीं होता है। मुझे नहीं पता वो लोग फिर किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन मैंने, मेरे में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी वैसे टैरो रीडर्स हैं, या वो लोग कभी भी कार्ड्स को लेकर ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ नहीं करते कभी भी। तो किसी के भी दिमाग में ये सब चीज़ें हैं ना, तो प्लीज़ निकाल देना, और अगर फिर भी नहीं निकलती हैं तो रीडिंग देखना बंद कर देना, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। मतलब 3 कार्ड्स निकाले थे, तीनों सामने थे, और मेरे पास जो भी लोग मेरे अपने हैं जो रीडिंग्स देखते हैं मेरे, उन्होंने बोला मैम ये तो हमने देखा है, कार्ड्स आपने सामने निकाले हैं। मतलब क्या है, वो लोग सिर्फ वाह, गुस्से में भी इतना प्यारा कार्ड निकला है। देखो एंजल्स ने बोला गुस्सा शांत कर लो, वार ऑफ वांड्स, चलो जाने देते हैं अभी। हाँ, लेकिन कभी आप लोग खुद ऐसा कॉमेंट देखें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो मेरे बदले आप लोग प्लीज़ जवाब दे सकते हो उन लोगों को, कि ताकि कोई कुछ भी उठा के नहीं बोले, कोई कुछ बोलने से पहले सोचे कि इसके पास भी लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं मुझे। और सिक्स ऑफ वांड्स, मेरे चैनल के ऊपर एक क्या हुआ कि कोई एक पर्सन था जो हर लड़की को के कॉमेंट में जाके उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मैंने कॉमेंट में देखा और मैंने उस पर्सन को उसकी आई डी पर जाके ब्लॉक किया। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा हाय मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, भाई हो जाओ कम, लेकिन किसी ऐसे इंसान को अपने आसपास रखना जो गलत है, आप लोग का खुद के, आप लोग के खुद पे भी असर होता है ऐसे। मान लीजिए आप लोग में से किसी, नहीं मुझे तो चुप रहे जाने देते हैं, किसी नेगेटिव पर्सन की बात नहीं करते क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड आया, देखो देखो, मतलब फिर एंजस ने बोला कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, इतने प्यारे कार्ड दे रहे हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं यहाँ पर, फोर ऑफ वांड्स से बहुत सारे लोग हंसे हैं, जो भी हंसे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। फोर ऑफ वांड्स से, सिक्स ऑफ वांड्स से यहाँ पे द लवर्स हैं। एक बार मुझे भी पहले किसी ने बड़ा ही खूबसूरत कॉमेंट किया था, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ, मैंने कहा जाने तो लड़की है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने थोड़ा मैं अवॉइड भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। फाइव ऑफ वांड्स, देखो देखो, द हेरोफेंट, ओके, वन मोर कार्ड, नाइन ऑफ वांड्स, चलो
यहाँ पर आपके पार्टनर अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं और आप लोग भी थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है जब आपके पार्टनर आएंगे ना तो आप में से किसी ने सोच रखा है कि इस बार तुम्हें हम भी थोड़ा सा तो एटीट्यूड दिखाते हैं, हम भी तुम्हारे लिए वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, और थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों ने अपनी लाइफ में लाने की शुरुआत की है या फिर आप लेकर आएंगे जैसे ही आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो किसी ने अच्छे से सोच कर रखा हुआ है। ओके चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 of Wands गाइस, आपके पार्टनर आपको हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता करने की कोशिश आने वाले समय में करेंगे आपके पार्टनर या फिर अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं आपके बिना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। जैसे ही आप कॉल मैसेज करेंगे आपके पार्टनर क्या करेंगे, फिर से दूरी बना लेंगे, जो कि आपके पार्टनर पहले भी कर चुके हैं। आप और आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा तो था ही, काफ़ी समय पुराना भी लग रहा है मेरे को यहाँ पर, और आपके पार्टनर ने क्या किया, बहुत जब भी वो उदास होते थे आप उनके पास होते थे, उन्हें संभाल लेते थे, और आपके पार्टनर क्या करते थे, पॉजिटिव होकर के फिर आपसे दूरी बना लेते थे। इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी। तो अभी आपके पार्टनर को आपको कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखने हैं, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं करनी है, आगे होकर कॉल मैसेज नहीं करना है। ओके और आपके पार्टनर जब आएंगे आपके पास में तो इस बार इस तरीके से आएंगे कि वो लौट कर वापस नहीं जाएंगे, एक एक कमिटमेंट के साथ में आएंगे, हमेशा साथ रहने के लिए आपके पास आएंगे, आपसे दूर नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा कमिटमेंट आपको देंगे। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं तो आप दोनों एक अलग सिटी में जाकर रहना शुरू कर दें जहाँ पर आपके पार्टनर जॉब करते हैं, और आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर जो है आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने दूरी बनाकर देख ली है। जहाँ भी दूरी, जिस भी पर्सन, जिस भी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई थी, वहाँ पर आपके पार्टनर को एहसास है कि आप उनका वेट कर रहे थे, और आपके पार्टनर ने काफ़ी समय लिया आपकी तरफ वापस लौट कर आने के लिए, लेकिन ये जानते थे आपके पार्टनर जो दूरियां हैं उस समय में कि आप उनका वेट कर रहे हैं और आप उनका वेट करना नहीं छोड़ेंगे। यही एक रीज़न भी था सबसे बड़ा कि आपके पार्टनर थोड़े अपने भाव बढ़ा लिए और आपसे दूरी बनाकर रखी। अगर आप थोड़ा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ना तो आपके पार्टनर को एहसास हो जाता कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो वापस आपकी तरफ लौट कर आते हैं। तो कुछ लोग तो हैं मेरे व्यूवर्स जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठान लिया है अभी उन्होंने कि हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, मेरा पार्टनर आना है तो वो आ जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे, और जिन भी लोगों ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की है, सोचा है, समझा है कि वो आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त आप हैं, आपको खोने का डर है। ये जो डर है इनको कहाँ लेकर आ रहा है, ये लेकर आए इस कमिटमेंट की तरफ, 4 of Wands। आपके पार्टनर ये कमिटमेंट देंगे आपको शादी का, मैरिड हैं तो आप दोनों जल्दी ही साथ रहने लगेंगे, अभी मैंने बताया था, और सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आकर आपको शादी का ही कमिटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना समझना रहेगा, आते ही आपको आपके पार्टनर से बहुत सारे सवाल जवाब नहीं करने हैं, आपको उनको देखना है कि वो जितने उदास है ना उनको एकदम से पॉजिटिव नहीं करते हैं कि अरे आपका तो कॉल आ गया, हम तो वेट ही कर रहे थे आपका, क्यों चले गई थी अब लौट कर आ गई हो, प्लीज़ मत जाना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो उदास वाली एनर्जी में आएंगे। अब आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना है, जैसे कि ये कार्ड आया था हमारे पास, आपको भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना रहेगा अपना, कि आपको थोड़ा रिजर्व रहकर उनसे बात करनी है, बड़े प्यार से, इग्नोर नहीं करना है, सुनना है, समझना है, फिर आपको आगे बात करनी है। ओके, यहाँ पर 4 of Wands का कार्ड है जो दिखाता तो है कि आपके पार्टनर आपसे शादी ही करेंगे हम, और कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, और कोई आपके सामने शर्त नहीं रखेंगे, कोई गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए, काफ़ी ज़्यादा अपने आप से, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से वो भाग लिए हैं, लेकिन अब वो सिर्फ आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिलीज नहीं मान रही थी ना, तो आपकी फैमिली मान जाएंगी, और आपके घर रिश्ता लेकर आपके पार्टनर की फैमिली ही आएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि लड़की वाले चाहते हैं तो भी आपके पार्टनर बोलेंगे कि आप मेरे घर रिश्ता लेकर आइए, और नहीं तो लड़के वाले जाते हैं आपके यहाँ तो लड़के वाले ही रिश्ता लेकर जाएंगे, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत प्यार से बात होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपके किसी इन लॉज में से किसी का भी कॉल आ सकता है, तो आपको पॉजिटिव होकर ही बात करनी है। ऐसा ना हो कि आप एकदम रूड हो जाएं, अपना सारा गुस्सा उसी पर्सन पे निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, द लवर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ बिताया हुआ वक्त तो याद ही कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो प्यार था उसका एहसास हुआ है आपके पार्टनर को। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर को एहसास नहीं है आपके प्यार का, आपके साथ का, वो सब कुछ भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पर वो एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं,
या तो या फिर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपके पार्टनर के दिमाग में वो कमिटमेंट आया है जो आप उनसे चाहते थे, जो था शादी का। आप चाहते थे आप अपने पार्टनर के दिल दिमाग में रहें, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आप हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते थे, विक्ट्री मिलेगी, आप दोनों साथ चाहते थे, आप चाहते थे आपके पार्टनर आपको मिस करें, आगे होकर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लें, तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन भी ले रहे हैं आपके लिए। फाइव ऑफ वांड्स आपके लिए उनके फैमिली से या जो भी समाज है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन का भी इशू दिख रहा है, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर साफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने डिसीजन लिया है, डिसीजन सुना दिया है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है। और मेरे कुछ व्यूवर्स थे, उन्होंने बोला मैम काफ़ी समय से हम देख रहे हैं रीडिंग्स, तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऊपर वाले ने जब जो चीज़ें मांग सकते हैं आप ऊपर वाले से, वो ज़रूर कबूल करता है आपकी, आपको नेगेटिव नहीं होना है। बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन एक कार्मिक साइकिल होता है, पास्ट लाइफ कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जो अभी हमें झेलनी होती हैं, तो थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। ऊपर वाला जल्दी ही आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन कराएगा। मैं हमेशा आपके सभी के लिए प्रे करती हूँ। तो यहाँ पे कास्ट रिलीजन का भी इशू है, ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट रिलीजन ना भी हो तो एज गैप हो, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो, हाइट का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा लग रहा है कि किसी की फैमिली का है, उसकी हाइट तो कम है, या उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या जॉब नहीं है, या कुछ भी ऐसी कुछ तो अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से फैमिली में झगड़े हुए थे। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन भी ले रहे हैं, और आप घर में अगर उनकी से पूछा जा रहा है या बात की जा रही है, तो घर में उन्होंने आपके लिए बात कर ली है और आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है। और यही सब चीज़ें करके वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ वो कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। मैंने अभी यही ये कार्मिक देख के बताया था कि आपकी जो पार्टनर की फैमिली है वही उनकी तरफ से रिश्ता आएगा। यहाँ पर भी ये फैमिली है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को डिसीजन सुना दिया आपके साथ रहने का, तो वहीं से आपको कोई अच्छा कमिटमेंट और आपके पार्टनर लेकर आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली को और इस कमिटमेंट के साथ आपके पास लौट कर ज़रूर वापस आएंगे। ओके, थोड़ा सा और सब्र रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। वो जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, भरोसा रखिए, ऊपर वाला सभी की सुनता है। थोड़ा सा देर हो जाता है लेकिन काम ज़रूर होते हैं, दुआएं सबके कबूल ज़रूर होती हैं। तो ये थे आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। बीच में जो रीडिंग के में मैंने गुस्सा किया था वो सभी के लिए सॉरी, लेकिन मेरी भी उम्मीद होती है आप लोगों से, इसलिए मैं आप लोगों को, मेरी फैमिली हो आप भी सॉल फैमिली हो, तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों से बोल देना चाहिए। ऊपर वाला आपकी सारी विशेज़ को पूरा करे, जल्दी से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। बाय बाय, टेक केयर।